रायबरेली टांडा नेशनल हाईवे 128 की बनाने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी जीकेसी को मिला था, जिसमें राजमार्ग की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। कार्यदायी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने राजमार्ग का निर्माण कार्य विगत वर्ष में कागजों में पूरा कर इतिश्री कर दिया, जबकि राजमार्ग पर वाहनों और यात्रियों की सुविधा के नाम पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं दी गई। कहने को राजमार्ग पर हाई मास्क लाइट तो लगी है, लेकिन जब से ये लगी है इसके बल्ब नहीं जले। आने वाले वाहनों और यात्रियों को उनसे उजाला नहीं मिल सका। वहीं गाड़ियों के ठहरने के लिए जो बस स्टॉप और शौचालय व गार्ड रूम का जो निर्माण कर यात्रियों की सुविधा के लिए बना है, उसमें अभी तक न बिजली और न पानी की ही सुविधा है। कहने को तो पानी की टंकी और पीने के लिए टोंटियां लगी हैं, किंतु पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये टोंटियां पानी की जगह केवल हवा ही देती हैं, जिससे यहां ठहरने वाले वाहनों और यात्रियों को ये छलावा देते ही नजर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 50 मीटर अप्रोच का निर्माण नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपनी गन्ने की फसल के चीनी मिल तक ले जाने के लिए राजमार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को चढ़ाने के लिए 2-3 ट्रैक्टर जेटने के बाद भी नहीं चढ़ा पाते और आए दिन पलटते रहते हैं। वहीं अनाज को मंडी भेजने वाले किसानों को भी और भारी वाहनों के लिए अप्रोच मार्ग न बनने से इसी तरह की मुश्किलें और दुर्घटनाओं का सामना आए दिन करना पड़ रहा है। राजमार्ग पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे भी हैं, जिससे आए दिन होती रहती है। सुल्तानपुर जिले के पीड़ी टोल प्लाजा पर मेडिकल हेल्प और चिकित्सा के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, केवल एक फार्मासिस्ट है और एक झोला छाप व्यक्ति ही चिकित्सा सुविधा का जिम्मा संभाले हुए है। और दूसरा टोल प्लाजा अमेठी जिले के बाबूगंज में बनाया गया है। इन दोनों टोल प्लाजों से प्रतिदिन लाखों की टोल वसूली की जा रही है।